हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर सो दोस्तों बेटकॉइन ने भैया इज्जत रख ली ओके okay? अच्छा हुआ हम लोगों ने कल एक और बाइंग जोन हमारा देखो जो ट्रेगर हुआ ऑलमोस्ट अठारह हजार पे दो प्राइस जो है वो साढ़े सत्रह हजार तक गया था बट इस ऑर्डर ने क्या किया था हमारा बाइंग जोन बीस कर दिया था राइट right? तो जो हम लोग ट्रेड बाईस से हम लोगों ने शुरू किया था यहां से तो इस ट्रेड को जो है उसने एवरेज आउट करके बीस हजार डॉलर कर दिया ओके अब प्राइस जो है वो उस बाइंग जोन के ऊपर है ओके क्योंकि हमारा बीस हजार डॉलर जो है वो एक्चुअल बाइंग जोन है सो यहां अब हम क्या करेंगे जो हमारा पहला बाय था ना बाईस हजार वाला उसमें से क्योंकि तुम्हें अगर याद होगा तो हमने पॉइंट यहां सिर्फ पच्चीस परसेंट अमाउंट ही डाला था अब उस पच्चीस में से पंद्रह निकाल दो ओके okay, और वो कैश इन हैंड रखो अगर बिटकॉइन वापस नीचे जाता है हम लोग वापस जो है क्योंकि बिटकॉइन को आदत है डबल बॉटम मारने की ओके okay? सो so अगर वो डबल बॉटम वापस आता है तो हम लोग अठारह हजार पे वापस वो पंद्रह परसेंट डालेंगे जिससे हमारा बाइंग जोन जो है वो क्लोज टू एटीन थाउजेंड डॉलर हो जाएगा ओके okay? और अगर आप लोगों को ये ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे भाई सबसे पहले तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगर तुम वो नहीं करोगे तो ये ट्रेड अच्छे से ले नहीं पाओगे और प्रॉफिट्स बना नहीं पाओगे सो मेक चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली का ये पांच सात मिनट का वीडियो जो है वो देखो अगर फ्री का पैसा आ रहा है तो क्या दिक्कत है राइट right? तो so मेरे भाई जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब है और जो ऑलरेडी ट्रेड में है सो मैं जैसा कि कह रहा हूं यहां पंद्रह पैसा निकालो ओके okay, बहुत सिंपल सी बात है तुमने अगर एक मान लो तुम्हारे पास दस डॉलर थे ओके okay, तो मुझे जब दस डॉलर एक्चुअल बेटकॉइन में डालना था तब मैंने इनिशियली सिर्फ ढाई रुपए या ढाई डॉलर ही डाला उसके बाद अठारह अच्छा हजार रुपये मैंने ढाई और डाला पांच डॉलर मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड था अब पांच में से दो डॉलर मैं निकाल लूंगा और मेरे ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ तीन डॉलर ही बचेंगे ओके और ऐसा क्यों जैसा कि मैंने बोला बेटकॉइन डबल बॉटम मारता है तो तुम्हें वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अठारह हजार डॉलर पे बाय करने की ओके तो और दो बेटकॉइन जो है वो बीस हजार के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है ये बहुत बुलिश बात है बट मेरे भाई अब अपने पास रेजिस्टेंसेस बहुत है बहुत ज्यादा बीस हजार जो ये बाईस हजार था पहले वो बाईस हजार एक रेजिस्टेंस है ओके तो और ये सिर्फ लाइन की वजह से रेजिस्टेंस नहीं है ये जो ग्रीन लाइन है ना ई एम अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी तो जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक हम ओवरली बुलिश नहीं हो सकते वो ब्रेक होने के बाद हमारा ये तीस हजार भैया एक बहुत गंदी और तकड़ी रेजिस्टेंस है जब तक वो ब्रेक नहीं होती तब तक हम आउट ऑफ वुड्स नहीं है ओके सो थोड़ा सावधान और थोड़ी समझदारी से ट्रेड लेंगे और यहाँ प्रॉफिट्स में पैसा जो है वो निकाल लो ओके अब तुम अगर देखो तो मार्केट आज तेरह परसेंट ऊपर है यार बिटकॉइन अकेला पंद्रह परसेंट इथीरियम पच्चीस परसेंट बहुत जबरदस्त आज का दिन है सो परफेक्ट टाइम टू टेक सम प्रॉफिट ओके क्रिप्टो फियर बहुत बुरा अभी भी छ में कल भी छ में था सो तो यार ये तो काफी सिचुएशन खराब है और यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो आज बंद है तो हमें वहां से कुछ खास सपोर्ट आने नहीं वाला है तो तुम्हें बिटकॉइन में कुछ खास वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी So, एक और दिन हमें वेट करना है तो सी के मार्केट यूएस मार्केट कैसा ओपन होता है ओके okay? अब अगर मैं आ, समझने जाऊं इस चीज को तो देखो मुझे क्या लगता है ऑलरेडी पचहत्तर बेसिस पॉइंट जो है वो फेड ने बढ़ा दिए हैं ओके पचहत्तर बेसिस पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो अब धीरे धीरे कम होने वाली है सप्लाई बढ़ने वाली है जिसका मतलब प्राइजेस नॉर्मल होंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया तो मार्केट वापस से रिकवर करना शुरू कर देगा ओके तो और जैसा कि तुम्हें मैंने कल भी बोला था बिटकॉइन यार अब ऑलमोस्ट बॉटम पे है हम लोगों ने आर देखा इनफैक्ट आज मैंने ये आर एस भी डाला तो इसमें भी अगर तुम एक चीज देखोगे ना जब भी ये आर ये व्हाइट लाइन के पास है एंड स्टोकेस्टिक आर ओके ये भी एक टाइप ऑफ आर है ये इस व्हाइट लाइन के नीचे है ओके तो दोनों चीजें अगर एक साथ जो है वो व्हाइट लाइन के नीचे है ना तो वो यूजुअली हमेशा बेटकॉइन का बॉटम रहा है ओके तो चाहे अगर तुम वो यहां देखो यहां यहाँ के इस पोजीशन पे अगर तुम देखोगे तो दोनों जो है वो व्हाइट लाइन के नीचे है ओके तो उसके अलावा अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है और दोनों टाइम ये जो है वो बेटकॉइन का बॉटम ही रहा है तो अब ये तीसरी बार है तो यहाँ पे भी ये बेटकॉइन का बॉटम होना चाहिए और यहाँ से बेटकॉइन जो है वो रिवर्स करना चाहिए ओके बट अगेन हम लोग जो है वो ट्रेड बहुत संभल के लेंगे एक बार प्रॉपर बुलच हो जाए फिर पैसा डालेंगे और अभी के लिए अपने को सिर्फ एक्सपोजर चाहिए तो वो ट्रेड ओपन करो ओके okay? अब इसके अलावा अगर तुम देख कल का जो डिप आया था उसमें हम अकेले नहीं है जिसने बाय किया है भैया दो तो बिलियन डॉलर जो है दो तो बिलियन डॉलर का बिटकॉइन एक्सचेंजेस को छोड़ के निकल चुका है इस बुरे टाइम पे ओके तो और ये दो बिलियन डॉलर तो अलग उसके अलावा बिटैंड ने जो है उन्होंने भी ऑलमोस्ट दो बिलियन डॉलर के बिटकॉइन कल उन्नीस हजार पे उठा लिए ओके तो अब देखो ये मतलब नहीं है कि भाई आप को पता है कि यहाँ बॉटम है और चलो सब निपटा लो नहीं लेकिन कोई भी बॉटम का वेट नहीं करता जैसे हम लोग देखो यहाँ टॉप पे बहुत पुलिश थे ना वैसे ही लोग बॉटम पे बहुत बेरिश हो जाते हैं और चीजें वहीं से रिवर्स होती है ओके सो अगेन एक्सपोजर बना लो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भैया अपनी रिसर्च जरूर करना लेकिन हमारा ट्रेड ओपन है और वो ट्रेड चलेगा और मैंने सिर्फ और सिर्फ जैसा कि तुम्हें बताया आज भी तीस परसेंट पैसा डाला है सत्तर परसेंट अभी भी मेरे पास कैश है जो तो मुझे इस ट्रेड में और डालना है जब बेट डिप करेगा तो अगर करेगा तो ओके तो उसके अलावा नेक्स्ट अगर तुम देखते हो तो भैया यही बुकेल भी समझा रहे हैं कि भैया बिटकॉइन का चार्ट देख के डरो मत ठीक है तुम एजुकेशन के लिए देख रहे हो इट्स फाइन तुम ट्रेड के लिए देख रहे हो इट्स फाइन लेकिन वो देख के जो है वो नर्वस मत हो वो देख के जो है वो बेटकॉइन बेचने का मत सोचो आज मार्केट ऐसी है कल मार्केट बहुत अच्छी होगी और वापस से हम लोग जो है वो फुल प्रॉफिट में होंगे ओके सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री जो है वो भी फुल बुलिश है बेटकॉइन के ऊपर और अगेन यार ये कंट्रीज के लिए जो एक्चुअली थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा पीछे है बाकी कंट्रीज के लिए कंट्रीज से उनके लिए बेटकॉइन बेस्ट बेट है एक तो पैसा बनाने के लिए फ्रीडम के लिए बड़े कंट्रीज से जो है वो अपना आ, क्या कहते हैं उनसे उनका दबदबा कम करने के लिए इनफैक्ट ओके सो चीजें बहुत अच्छी है सो तो वही मैं कि थोड़ा टाइम बुरा है बट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ओके okay? इसके अलावा अगर तुम देखते हो तो हमने इलॉन की बात की थी कि भैया उसके ऊपर दो तो का किसी ने तो लॉ सूट मारा था तो मेरे भाई इलॉन वही बोल रहे थे मैं तो एडवर्टाइज़ करता हूं और मैं एडवर्टाइज़ करूंगा मुझे डॉज कॉइन पसंद है मैं डॉज कॉइन बाय करूंगा जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ दे ओके और लोन की ये जबरदस्त कमेंट्री के बाद डॉज कॉइन आज जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने जब देखा तो 25 परसेंट ऊपर था 24 परसेंट so सो बहुत जबरदस्त रैली डॉज में fact, आज सब अच्छा कर रहे हैं यार 15 परसेंट बेट कॉइन पच्चीस परसेंट इथियम अगर तुम देखते हो तो एप कॉइन छत्तीस परसेंट जीएमटी तेतीस परसेंट मेरे भाई लाइट कॉइन तीस परसेंट सो बहुत जबरदस्त आज का दिन है होपफुली ऐसे ही ये हफ्ता कंटिन्यू हो और हम लोग यहाँ बॉटम करके आगे बढ़ जाए और वापस हमारे पोर्टफोलियो जो है वो सुपर डुपर ग्रीन में हो जाए ओके ट्रेड के परस्पेक्टिव से अभी भी वहां याद से प्रॉफिट्स निकालना लालच मत करो और हम लोग वापस री इन्वेस्ट करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ओके okay? तो मेरे भाई आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों थैंक यू सो मच